नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिंगरौली जिले में अनोखा सेल्फी पॉइंट। हम आपको बता दें, सिंगरौली नगर निगम के नवागत कमिश्नर पवन सिंह ने नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए अनोखा प्रयोग किया है। उनका कहना था कि स्वच्छता के लिए इस बार नया कॉन्सेप्ट आया है, वेस्ट टू वेल्थ। इस माध्यम से क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए सेल्फी पॉइंट पर चार पहिया वाहनों, दो पहिया वाहनों के पुराने टायर, प्लास्टिक व कांच के बोतल, कबाड़ हो चुके चार पहिया व दो पहिया वाहन, बच्चों व बड़ों की साइकिल व वेस्ट हो चुके पाइप, इन सभी वेस्ट मटेरियल को जोड़कर सोफा, झूला व टूटे हुए गमलों को सजाकर रंग रोगन करके इस सेल्फी पॉइंट को सुंदर बनाया गया है। नगर निगम सिंगरौली कमिश्नर पवन सिंह ने कहा कि इस पार्क में आने जाने वाले लोग ये सब देखकर इस सेल्फी पॉइंट पर अपना सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे दूसरे लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सिंगरौली से संवाददाता देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। नेहरू पार्क में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा सेल्फी पॉइंट क्या है। देख रहे हैं कि नगर के युवा युवतियां और गणमान्य लोग वहां पहुंच के फोटो खींच रहे हैं। क्या है इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में एक कॉन्सेप्ट आया है, वेस्ट टू वेल्थ। जो आपका सामान खराब हो चुका है, वेस्ट हो चुका है घरों में, उससे कुछ एक वेल्थ, कोई असेट क्रिएट किया जाए। तो उसी के तारतम्य में नगर निगम सिंगरौली द्वारा भी नेहरू पार्क में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उसमें जो हमारे टायर हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुराने साइकिल्स हैं, पुराने पाइप पड़े हुए हैं, उनको जोड़ के उनको स्ट्रक्चर का स्वरूप दिया गया है और उनको अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। उसमें गमले बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है झूला बनाया जा रहा है, उसमें सोफा बनाया जा रहा है। तो जो हमारा वेस्ट है उसको हम वेल्थ के रूप में, असेट के रूप में क्रिएट करके पार्क में रख रहे हैं, तो जिससे लोग वहाँ आए और स्वच्छता के बारे में संदेश प्राप्त करें।